Hello friends, I am Amitabh and welcome to my YouTube channel Pihala Birds Aviary. So, आज हम मेरा ये वीडियो पे आप सबको बताना चाहूँगा कि फिंच बर्ड के लिए बर्ड का जो केज होता है केज का साइज़ कितना चाहिए, कितना फुट बाय कितना फुट होने से परफेक्ट ब्रीडिंग केज बनता है फिंच बर्ड के लिए. सो ये पूरा वीडियो देखिए और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फन वीडियोस रिगार्डिंग द पेट्स एंड बर्ड्स. थैंक यू. तो आप सभी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि फिंच बर्ड सभी ज़ेब्रा, वाइट फिंच, बंगाली सोसाइटी फिंच सबके लिए कितना फिट बाय कितना फिट का अगर आप लोग ब्रीडिंग केज बनाते हैं तो वो परफेक्ट होता है. तो आइए देखते हैं बिहला बर्ड्स एविएरी यूट्यूब चैनल पे. सो फॉर यू गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है मेरा ब्रीडिंग केज फॉर फिंच जो कि मैं इनसाइड मीन्स घर के अंदर सेटअप किया हूँ. क्योंकि आप सबको मालूम है कि फिंच बर्ड के लिए हवा उतना ज़रूरी नहीं है, सनलाइट वाला ही ज़रूरी है फिंच बर्ड के लिए, मगर हवा से उन लोग को दिक्कत होता है, ठंड बहुत जल्दी लग जाता है. सो दिस इज़ माई ब्रीडिंग केज. लेट मी शो यू द ब्रीडिंग केज. यस, सो इट्स अ 24 ब्रीडिंग केज ओवर हियर. या सो सभी में नहीं है ब्रीडिंग पेयर अभी भी. सो मेरा दूसरा जो फॉर्म है वहाँ पे सब शिफ्ट कर दिया हूँ मैं ब्रीडिंग पेयर. सो चलिए जानते हैं कि कितना फिट बाय कितना फिट अगर आप लोग ब्रीडिंग पेयर के लिए अगर केज बनाते हैं तो फिर वो अच्छा होगा, आपका ब्रीडिंग बहुत ही जल्दी होगा. सो लेट मी शो यू द ब्रीडिंग प्रोग्रेस. यू कैन सी लाइक यहाँ पे है मेरा वाइट फिंच एक पेयर जो कि नेस्टिंग मटेरियल्स में डाल दिया था. वो लोग दिखाई दे रहा है कि वो लोग उठा लिया है नेस्टिंग मटेरियल्स. सो वाला ये है इसका ये फर्स्ट क्लच होगा. ये न्यू ब्रीड है मेरे पास, इसका ये फर्स्ट क्लच होगा. सो देखते हैं. सो अगर आप लोग देखते हैं कि मैं यहाँ पे वुडन मटेरियल यूज़ किया हूँ फॉर दिस बिकॉज मुझे जितना जानकारी है मुझे समझ में आता है कि अगर उन लोग को लकड़ी के साथ या फिर ऊट के साथ आप लोग कॉन्टैक्ट में रखते हैं बर्ड्स को तो उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा. सो इसीलिए आई प्रेफर द वुडन केज. सो लेट मी शो यू. अगर आप लोग मीन्स फिट के हिसाब से देखना चाहते हैं, अगर इसका लेंथ आप लोग पूछना चाहते हैं दैट इज़ फ्रॉम हियर टू हियर, अगर एक ब्रीडिंग केज का अगर पूछना चाहते हैं तो ये है एक फिट. मेरे हिसाब से ये एक फिट होने से काफ़ी है फिंच बर्ड के ब्रीडिंग केज के हिसाब से. एंड मेरा ये वाला डिस्टेंस है एक फिट बाई एक फिट. सो ये है एक फिट बाई एक फिट फॉर वन पेयर ब्रीडिंग केज. एंड अगर आप लोग डेप्थ जो है यहाँ से शुरू करके एकदम अंदर तक जो डेप्थ है वो है मेरा 2 फिट. तो काफ़ी उन लोग के पास स्पेस है उड़ के यहाँ आके बैठने के लिए. उसके बाद यहाँ से फिर से वहाँ है और मैं एक पिच से लकड़ी दे दिया कि वो सफिशेंटली उड़ सके, खेल सके और अपना ब्रीडिंग जारी रखे. सो लेट मी शो यू. सो आई हैव हियर वन वाइट एंड दिस आर ऑल दी फ्रेश. लाइक इन सब का फर्स्ट क्लच होगा. ये फर्स्ट क्लच है इधर भी इसका. ये इसका नेस्टिंग मटेरियल्स में अभी तक नहीं डाला, इसका कल ही में मटका लगाया. सो विद इन 1 to 2 days आई विल जस्ट प्रोवाइड दी नेस्टिंग मटेरियल्स. अगर आप देखना चाहते हैं यस दिस इज ऑल्सो ज़ेब्रा फिंच आई हैव. सो ये मेरा फर्स्ट क्लच नहीं है, ये ऑलरेडी 3 बार ब्रीड कर चुका है. इससे मैं लगभग 11 or 12 बच्चा में इससे उठाया हूँ ये वाला पेयर से. और इसका मटकी भी मैं कल लगाया. सो नेस्टिंग मटेरियल्स आफ्टर 1 to 2 days मैं इसको रेस्ट दिया था. तो बेसिकली मैं मेल और फीमेल को अलग कर दिया था इन दोनों को. तो कल ही जस्ट इन लोग को दिया हूँ मीन्स लास्ट वीक में इन लोग को केज पे फिर से डाला था. कल ही मैं मटका लगाया एंड आई गेस आज या फिर कल लोग को नेस्टिंग मटेरियल्स दे दूँगा. सो ओवर हियर ऑल्सो देर इज़ अ ज़ेब्रा फिंच पेयर. ये भी बहुत एडल्ट है, फुल एडल्ट. इसका भी मैं नेस्टिंग मटेरियल्स डाल दिया हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोग उठा रहा है कुछ कुछ. ये भी मेरा पुराना बर्ड्स है, इसका भी मैं 3 क्लच इसका भी हो चुका है. और जिसका मैं सबसे ज़्यादा लेट मी शो यू द पेयर फॉर द फिंचेस. सो लेट मी शो यू.
over here, you can check. Where is it? Yes, this one, this pair is awesome, you know. मैं इन लोग से, ओ माय गॉडनेस, मैं कल ही इसका नेस्टिंग मटेरियल दिया था, मैं देख रहा हूँ ये लोग भी उठा लिया. ग्रेट, ये वाला पेयर से मैं 3 क्लच इसका हुआ था. सो कैन यू इमेजिन, मैं फर्स्ट क्लच में इससे 8 अंडा मिला था और 8 ही फर्टाइल हुआ और 8 ही बच्चा मिला इसके द्वारा, ये वाला पेयर से. उसके बाद आई गेस 6 मिला था नेक्स्ट क्लच में, और उसके बाद भी मुझे 6 मिला. सो ये 4th टाइम क्लच हो रहा है इसका. सो ये ब्रीडिंग पेयर बहुत ही अच्छा है. आप लोग को मीन्स शायद ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिंच बर्ड केज एंड डिफरेंट एक्सोटिक बर्ड, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो ये वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ. और भी आएगा रिगार्डिंग गोल्डन फिंचेस, सोसाइटी फिंचेस एंड एवरी एक्सोटिक बर्ड्स. Thank you for watching Biola Bird Aviary. Subscribe my channel.